कर देना। नमस्कार दगड़ियों, मैं भावना पोखरियाल आप सभी का एक नए ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? तो आज मैं लेके आई हूँ साई बाबा, मतलब मैं और ऋषभ भैया साई बाबा मंदिर जा रहे हैं, तो वहाँ का ब्लॉग लेकर आई हूँ। देखते हैं कैसा है साई बाबा मंदिर, नजफगढ़ में है। तो चलते हैं साई बाबा मंदिर, मैं और ऋषभ भैया जा रहे हैं, स्कूटी से जा रहे हैं मैं और ऋषभ भैया साई बाबा मंदिर। फिर देखते हैं वहाँ पे क्या क्या एक्सप्लोर करने के लिए। हम निकल गए हैं साई बाबा मंदिर जाने के लिए, मैं और ऋषभ भैया। सात आठ तरीके के प्रॉब्लम है जो यहाँ के ट्रस्ट के लोग बहुत कम पैसों में 10 या 15-20 रुपए के नॉमिनल प्राइस पे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ट्रस्ट बना रखा है। मतलब जो लोग यहाँ चढ़ावा चढ़ाते हैं तो उसी पैसे को एक अच्छे रूप में भी यूज़ करा जा रहा है। और यहाँ पे ये जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे भंडारा होता है, भंडारा बनाया जाता है खाना वाना, और हर थर्सडे को यहाँ पे खाना खिलाया जाता है। ये मंदिरों की सबसे खास बात है, जहाँ किसी की कोई जाति, किस एरिया से आया है, क्या जाति है, क्या धर्म है, हर तरीके के इंसान को खाना दिया जाता है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, जो भी खाने के लिए लगेगा जिसको भी खाने की ज़रूरत है वो सब लोग खाना खाते हैं। और आपको पता ही है जैसे साई बाबा के लिए थर्सडे वाला दिन कितना इम्पोर्टेंट है, तो इस दिन थर्सडे वाले दिन इधर बहुत ज़्यादा बाहर बहुत सारी दुकानें लगती है और सबसे ज़्यादा भीड़ उसी दिन होती है, सबसे ज़्यादा लोग साई बाबा के दर्शन उसी दिन करने। अब मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग पार्क में आए, यहीं पे साई बाबा मंदिर के पास में ही पार्क है, वहाँ पे आ रखे हम लोग। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। ये पार्क की एंट्री है। ओ यहाँ पे तो फ्लैग होस्टिंग भी हो रखी है आज 26 जनवरी के रिपब्लिक डे के दिन। हम वहाँ से पूरा राउंड लगा के आ गए पार्क में, पूरा वहाँ से, और यहाँ पे बहुत सारे झूले भी हैं। वाओ, झूले भी हैं यहाँ पे, बच्चों के झूले झूलने के लिए, मतलब इस पार्क में सब टाइप के लोग आए हैं।
बच्चे भी, बड़े भी, बूढ़े भी, दादा दादी, नाना नानी टाइप भी। और यहाँ पे झूले भी हैं काफ़ी, और घूमने के लिए भी बहुत बड़ा एरिया इस पार्क में। अच्छा लगा मुझे यहाँ पे दिल्ली में पार्क है। वैसे नजफ़गढ़ एरिया में तो अच्छा ही है, खुला खुला एरिया, बट पार्क भी है, अच्छा है। भीड़ भी काफ़ी है यहाँ पे, काफ़ी लोग आ रखे हैं आज। और वैसे भी आज 26 जनवरी है तो सबकी छुट्टी है, तो इसलिए भी शायद ज़्यादा लोग आए हो। बाकी भैया तो घूम रहे हैं, आंटी देखो एक्सरसाइज कर रही है। इस एरिया को तूड़ा मंडी कहते हैं, और ये हनुमान जी का मंदिर। जय श्री राम। राइट और लेफ्ट साइड में आपको बहुत सारे ब्रांड्स दिख जाएंगे, ऐसा ऋषभ भैया कह रहे हैं, और दिख भी रहे हैं। ये फर्स्ट क्राई बर्गर किंग। ये चैरिटेबल हॉस्पिटल है, ज्योति मेमोरियल जैन हॉस्पिटल। यहाँ पे भी एक शिव मंदिर है। ये नजफगढ़ का मेट्रो स्टेशन है, ये चाचा पकौड़े वाला। इसके अंदर पूरे नजफगढ़ का सबसे बड़ा मार्केट है। इस गेट को दिल्ली गेट कहते हैं, इसके अंदर नजफगढ़ का मार्केट लगता है। बड़ा वाला दूसरा है, लेकिन इसको भी दिल्ली गेट कहा जाता है। और ये है विश्वकर्मा द्वार। थाने में जाते हैं सारे लोग यहाँ से, देख लो थाने जाने का रास्ता। ये पपरावट रोड है, यहाँ पे नजफगढ़ का पोस्ट ऑफिस है। ये हम दिल्ली गेट से दूर आते हुए डीडीए ऑफिस की तरफ जाते हुए अपने राइट और लेफ्ट के केएफसी देखते हुए। डोमिनोज जानकी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड। ये महफिल सिल्वर स्कूल। और ये ऋषभ भैया स्कूटी दौड़ाते हुए। अभी तो दौड़ाई भी नहीं है, अभी तो हम 20-30 से चल रहे हैं। दौड़ानी है तो बोलो। वीडियो ही लिखा है। ये सर्वोदय विद्यालय है ना, है? तो अब हम घर पे आ गए हैं साईं बाबा मंदिर से। और जो वहाँ पे साईं बाबा मंदिर के पास में पार्क है, वहाँ भी गए थे हम, जैसा कि आपने व्लॉग में देखा ही होगा। और पूरे नजफगढ़ का एक राउंड भी लगा है, मतलब बाहर बाहर से, अंदर से तो बहुत बड़ा है, लेकिन बाहर बाहर से पूरा नजफगढ़ का एरिया भी दिखाया है मैंने आपको कि कैसा है। तो अगर आप लोग यहाँ तक बने हुए थे, आप लोगों ने मेरा व्लॉग यहाँ तक देखा है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आगे कंटिन्यू देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें मेरे वीडियोस को। थैंक यू सो मच। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब ना, सब कर रहा है। जिनको पता है उनको पता है, हाँ। है ना, जिनको पता है इस मीम का मतलब वो जानते हैं, इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। मुझे तो नहीं पता, अभी लोग कमेंट करके बता देंगे ये कौन सा मीम है। हाँ, तो प्लीज बताना आप लोग सब कर रहा है। हेलो बाय। सब कर सर 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 सर